रोहित शर्मा एशिया कप 2022 से पहले मिनी ब्रेक पर है। दरअसल भारतीय कप्तान रोहित की लोकप्रियता किसी से भी छुपी नहीं है। इस कड़ी में रोहित शर्मा अपने दोस्त से मिलने मुंबई के एक रेस्टोरेंट में गए तो हजारों फैंस रोहित की झलक पाने के लिए जमा हो गए। भारी संख्या में प्रशंसकों को देखते हुए रोहित के सुरक्षा गार्ड को काफी मशक्कत करनी पड़ी। वेस्ट इंडीज के खिलाफ कामयाब सीरीज के बाद कप्तान रोहित शर्मा समेत सीनियर खिलाड़ियों को एशिया कप से पहले एक छोटा सा ब्रेक दिया गया है। ऐसे में केएल राहुल के नेतृत्व में 3 मैचों की एक दिवसीय सीरीज के लिए भारतीय टीम जिम्बाब्वे पहुंच चुकी है। वैसे रोहित के लिए ये ब्रेक का प्लान अच्छा नहीं रहा है। मुंबई में द टेबल रेस्टोरेंट के दौरे के दौरान हजारों समर्थक भारतीय कप्तान को देखने के लिए जमा हो गए, जिससे एक बड़ा ट्रैफिक जाम भी लग गया। दरअसल भारतीय क्रिकेटरों को भारत के बाहर घूमने के दौरान भीड़ का सामना नहीं करना पड़ता है। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में भी बिना सुरक्षा काफिले के खुलेआम घूमते हैं। हाल ही में विराट कोहली ने पेरिस के एक मेट्रो स्टेशन से अपनी एक तस्वीर शेयर की थी। इस बीच भारतीय टीम के खिलाड़ियों को एशिया कप से पहले एक फिटनेस शिविर के लिए राष्ट्रीय क्रिकेट अकेडमी में एकत्रित होना है। गौरतलब है कि टीम इंडिया 23 अगस्त को दुबई के लिए रवाना होगी। मैं आपको बता दें, रोहित शर्मा ने अब तक भारत के लिए 45 टेस्ट, 233 वनडे और 132 T20 इंटरनेशनल मुकाबलों में भाग लिया है। रोहित ने वनडे इंटरनेशनल में 48.58 की औसत से 9376 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 29 शतक और 45 अर्धशतक जमाए हैं। रोहित के नाम टेस्ट मैचों में 46.13 की एवरेज से 3137 रन है, जिसमें 8 शतक और 14 अर्धशतक शामिल रहे। वहीं T20 इंटरनेशनल में रोहित ने 32.28 की औसत से उन्होंने 3487 रन बनाए हैं। दरअसल T20 इंटरनेशनल में उनके बल्ले से 4 शतक और 27 अर्धशतक निकले हैं। 27 अगस्त से 11 सितंबर तक UAE में होने वाले एशिया कप में कुल 6 टीमें भाग लेने जा रही है। श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान पहले ही टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि क्वालिफाइंग टूर्नामेंट के बाद छठी और अंतिम टीम का निर्णय होना है। टीम इंडिया अपने अभियान की शुरुआत 8 अगस्त को चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले से करने जा रही है। वहीं अगर एशिया कप के लिए भारतीय टीम की बात की जाए तो इसमें रोहित शर्मा जो की कप्तान है, उप कप्तान में केएल राहुल नजर आने वाले हैं। वहीं विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत जो विकेट कीपिंग संभालेंगे। वहीं दीपक हुड्डा, दिनेश कार्तिक, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, आर अश्विन, युजवेंद्र चहल, रवि बिश्रोई, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह और आवेश खान हैं। खैर दोस्तों, आपके हिसाब से एशिया कप के लिए भारत की प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप भी रोहित शर्मा के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।